हेलो माय फूडीज फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके के आई हूँ पोटैटो नगेट्स की रेसिपी, जो बहुत ही इजी और बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है। इसे आप पोटैटो चॉप भी कह सकते हो, पोटैटो रोल भी कह सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। और चलिए आज इसे झटपट बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए है चार ब्रेड लिए है, जिसे कि मैंने ब्रेड क्रम्स बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आप 5 से 6 अगर आलू ले रहे हो ना, तो इसके लिए आपको 5 से 6 ब्रेड लग जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ब्रेड क्रम्स को हमें जस्ट ब्रेड क्रम्स ही बनाना है, उसे हमें रोस्ट नहीं करना है। ये देखिए, ब्रेड को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें रखना है। फ्रेंड, हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे, इसी तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी इससे बनने वाली है। तो चलिए अब इसकी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 5 मैंने ब्रेड लिए थे, तो इसकी जगह मैंने 6 आलू लिए हैं, जिसे मैंने हाफ कट करके बॉईल कर लिया था। इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, जस्ट ऐसे नॉर्मल हम आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए बॉईल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे बॉईल कर लेंगे। अब एक बड़ा सारा बाउल लेंगे फ्रेंड, एक बाउल ले लेंगे, और इसमें जो मैंने पोटैटो उस वक्त आपको दिखाए थे, वही पोटैटो को हम अच्छे से मैश कर लिया है। और मैश करने के बाद अब इसे यूज़ कर लेंगे। तो देखिए, पोटैटो सारे के सारे हमने मैश कर लिए थे। अब इस आलू के साथ मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स डालने वाली हूँ। ये मैंने ग्राइंड किया हुआ अदरक डाला है, कुछ हरी मिर्च डाली है, आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। 2-5 प्याज को मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और ये बॉयल स्वीट कॉर्न है, इसे हम ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब हम ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, हम इसमें आधी ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लेंगे और आधी साइड कर लेंगे, बाद में जब हम इसे यूटिलाइज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। बस ये आधे ब्रेड क्रम्स मैं रख दूंगी और इतने ब्रेड क्रम्स के साथ यूज़ करूंगी। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला पाउडर, ये ऑरिगेनो है फ्रेंड, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए ऑरिगेनो ज़रूर डालिएगा। तो हम इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे अच्छे से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोल मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे मैगी का मैजिक मसाला। ये बहुत बहुत ज़्यादा ओंदा फ्लेवर देता है फ्रेंड, इससे आपके मसाले में बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। तो देख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे चीज़ इसमें डली है। और अब इसमें हम डाल रहे हैं धनिया पत्ता, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसमें जितने अच्छे अच्छे मसाले ऐड करोगे कि उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। इसमें आप कॉर्न ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आएगा, और ब्रेड क्रम्स की वजह से ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा ना कि खाने का टेक्स्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि पोटैटो थोड़ा सा गीला हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और ऐड कर लूँगी, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ भी हल्के फुल्के नाश्ते की भूख हो ना, तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये देखिए, ये बन चुके हैं। अब हाथ लेंगे, हाथ में हल्का सा ऑयल हम ग्रीस कर लेंगे। ऑयल ग्रीस करते हुए मैं छोटे छोटे हम इसके रोल बना लेंगे। आप चाहो तो इसे लॉन्ग शेप भी दे सकते हो, बट मैं इसे अपन टाइम में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ। तो बस इसी तरीके से हम एक राउंड शेप इसे दे देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से एक लड्डू का शेप दे देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, सारे के सारे नगेट्स बन चुके हैं। आप देखिए, 4 से 5 पोटैटो में हमने कितने सारे बॉल बना लिए हैं। तो पोटैटो बॉल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सारे रेडी होने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दी थी, ताकि इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेक्स्चर आ जाए। और अब इसे रखने के बाद ये ब्रेड क्रम्स हम लेंगे, और जो ये हमने ब्रेड क्रम्स लेके रखा है, इससे हम पोटैटो को कवर कर लेंगे। जी फ्रेंड, ये जो पोटैटो बॉल्स हमारे पास है, इसे हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। इसे कोट हो जाने से फ़ायदा ये होता है कि जो आपके ऊपर की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, और अंदर का टेक्सचर भी बहुत प्यारा आता है। तो इसलिए ये रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा सा फ्लेवर देगी आपको, और इसमें ऑयल भी नहीं यूज़ होता है, तो आप बच्चों के साथ बच्चों को भी आराम से खिला सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी डाले हैं। तो बस हम आप पे पैन ले लेंगे, और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल ऐड करूँगी। जस्ट मैंने 1 चम्मच ऑयल में ही सारे का सारा ऑयल यूज़ कर लिया था।
हम अपने और अब इसमें हम ये पोटैटो बॉल्स ऐड कर लेंगे। और आपको ये सारा जो प्रोसेस, फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और आप इसे एंजॉय कर सकें। सब कुछ इसे हम धीमी आंच में बनाएंगे फ्रेंड, तेज आंच मत करिएगा वरना अंदर से जल जाएंगे ये। तो बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने इसे पकाया है 10 मिनट इस तरह से रखने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। जब हम इसे पलटते हैं ना और इसे निकालते हैं, इसकी लीड को खोलते हैं तो उसकी ऑरिगेनो का जो फ्लेवर आता है, उसकी जो खुशबू आती है वो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। लगता है कि बिल्कुल पिज़्ज़ा के फ्लेवर आ जाता है इसमें। इसे चारों इसे पूरी तरीके से पलटने के बाद वापस से मैं इसे ढक के रख दूंगी और फिर 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। इसी तरीके से 2 से 3 बार आपको पलटना पलटना है ताकि वो चारों तरफ से सिक जाए। और ये देखिए कितना प्यारा सा इसका टेक्स्चर आया है। इस तरीके से ये देखिए बहुत ही अच्छे से सिक गई है। अगर आप इसे फ्राई करो तो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन फ्राई करने से ज़्यादा अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो इसमें आपका ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगेगा और खाने में भी बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर ये देगा। ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुई है और थोड़ी सी ठंडी हो जाने के बाद इसका जो ऊपर की लेयर है वो बहुत ही क्रिस्पी लगती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए फटाफट इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से सारे के सारे बॉल्स मैं ले आई हूँ और इसे मैं केचप के साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहो तो मेयोनीज़ के साथ भी शेयर कर सकते हैं, धनिया पत्ते की चटनी के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए एक बॉल मैं आपको इसी तरह से तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ये देखिए तो देख कर ही खाने का मन हो रहा है, बहुत एंजॉय किया था मैंने इसे। आप इसे एंजॉय कीजिएगा और मुझे रेसिपी को जरूर करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी थी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थर्सडे को। थैंक यू सो मच।